हाय गाइस, मैं श्याम। तुम आप देख रहे हैं टेक श्याम और फ्रीडम। आपको तो एमई वेट 12.1.0 का स्टेबल ओटी अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है रेडमी नोट 7 और 7S को। तो अगर आप श्याम बने हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7S में MIUI 12.1.0 का स्टेबल ओटी अपडेट ग्लोबली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप इंडिया के लिए वेट करो तो फाइनली आपको 6 से 12 दिन के अंदर इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा MIUI 12.1.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7S और रेडमी नोट 8 के लिए। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। अगले सप्ताह मतलब आपको नेक्स्ट मंथ तक सभी डिवाइस के लिए ज़्यादातर रेडमी नोट 7, 7S और 8 को देखने को मिल जाएगा अपडेट। तो अगर आप उसका इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल पर रीड कर सकते हो। वहाँ पर मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे चुका हूँ वहाँ पे। तो आप इसलिए आपका थोड़ा लेट में आया और वीडियो बनाने के बाद ये रिलीज हो रहा है ऑफिशियली, तो आपको देखने को मिल जाएगा। जाकर आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए और देख लीजिए, तो आपको शायद अच्छा लगेगा अगर आप रेडमी नोट 7 और 7S और नोट 8 यूज़र है, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोगों को अपडेट नहीं मिल रहा है MIUI 12.1.0 का एंड्रॉइड 10 के साथ। तो अभी से आप उसके लिए वेट कर रहे हो तो आपको फाइनली वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप देखिए तो व्हाट्स न्यू, आपको वही बस आपको जो नॉर्मल चीज़ें है वही देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, डार्क मोड देखने को मिल जाएगा और बस यही सब आपको नॉर्मल जो कि MIUI 12 में हर एक अपडेट में यही देखने को मिलता है। इसके लिए कुछ मतलब एक रिव्यू वीडियो बनाना कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, बट इंडिया के लिए जैसे ही रोल आउट होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा रेडमी नोट 7 और 7S वाला। 8 है नहीं मेरे पास, तो 7 और 7S है, तो 7 वाला आपको रिव्यू देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप 8 का चाहते हो तो वो भी मैं कैसे भी जुगाड़ करके आपको बना के दे सकता हूँ। बट अगर आप देखिए तो ये सब आपको कंट्रोल सेंटर नया देखने को मिल जाएगा, आपको UI रिवैम्प देखने को मिल जाएगा और आपको MIUI 12 का कैमरा देखने को मिल जाएगा। पहले आपका MIUI 11 का कैमरा था तो वो सब अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है। और आपका फ़ोन थोड़ा बहुत मतलब कि फास्ट होने वाला अपडेट के बाद, और आपका फिंगरप्रिंट जो आपका बग था वो आपको फिक्स हो जाएगा, ये सब अपडेट में आपको देखने को मिला। और आपका रैम यूजेज जो था वो आपका बढ़ जाएगा, पहले आपका कम था, अभी आपका 1.9 4GB, मतलब कि आपको 4GB का रैम है तो आपका 1.9 अब कंज्यूम होगा और बाकी आपका लेफ्ट आउट होगा। और आपका प्राइवेसी और ये सब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और स्पेशल फीचर जैसे कि आपको वीडियो टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा, फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाएगा, जो कि ये सब के लिए आप काफ़ी वेट कर रहे हैं। तो ये आपको रेडमी नोट 7, 7S, नोट 8 सब में आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका जो नेविगेशन जेस्चर बार है जिसके लिए आप काफ़ी वेट कर रहे हैं तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है रेडमी नोट 7 और 7S को। तो वेट कीजिए, आपको अगले सप्ताह तक इंडिया में ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। तो यही बस है कि आपको वेट करना होगा। और अगर आपको इंस्टॉल करना है ये ग्लोबल रॉम तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकती है। आप वेट कर जाइए, सब मत कीजिए, आराम से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चूँकि आपका मेरा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम वाला, उसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है जो कि MIUI 12 अपडेट्स के नाम से है। उसमें आप जाइए, सीधा जाकर डाउनलोड कीजिए रेडमी नोट 7S और 7S के लिए ग्लोबल स्टेबल रॉम, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा MIUI 12.1.0 का। आपको OTA का भी लिंक मिल जाएगा और आपको उसमें रिकवरी का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप रिकवरी से ही डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं रोम को रेडमी नोट 7 और 7S में। तो अगर आप वेट कर रहे हैं और अगर आप जानते हैं रिकवरी से कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो जाइए रिकवरी से इंस्टॉल कर लीजिए। और नहीं तो आप वेट कर जाइए, 10 से 15 दिन में आपको रेडमी नोट 7 और 7S और रेडमी नोट 8 में अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो तब आप कर लीजिएगा। अभी आप वेट कर जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ऐसे मत जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।